अब तुम कुछ नहीं कर सकती नकली राधिका, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भाग जाओ। एक बार तुम यहाँ से चली गई, फिर देव को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर अगर ये नकली राधिका यहाँ से नहीं गई तो? नहीं, वो खुद यहाँ से भागना चाहती है। अगर वो पराए आदमी के साथ ये सब करने को तैयार होती तो इतनी परेशान नहीं लगती। क्या सोच रही हो? दूर से बात करो मुझसे। कभी कभी किसी को होश में लाने के लिए उसके पास तो आना ही पड़ता है। अब अपने ख्यालों के जाल बुनना बंद करो और नीचे चलो। देव ने सबको हॉल में बुलाया है। कहीं राधिका ने देव को अपनी सच्चाई तो नहीं बता दी? अगर ऐसा है तो ये रोहन मुस्कुरा क्यों रहा है? अरे अब जल्दी करो, क्या हुआ? अब तुम्हें हॉल तक ले जाने के लिए कोई पालकी लेकर तो आएगा नहीं। हमें तुम्हें इस समय परेशान नहीं करना चाहिए था, पर राधिका सबके सामने कुछ कहना चाहती है इसलिए। क्या बात है छोटी बहू, हम सब तो कल सवेरे भी बात कर सकत है ना। आज रात तो तोको और देव को साथ होवे का चाहिए। हाँ राधिका बोलो, ऐसी क्या बात थी जो अभी बतानी थी सबको? आज राधिका अपने पति के साथ अपना नया जीवन शुरू करने वाली थी, पर दिल पर एक बोझ लेकर, बिना इस बोझ को हल्का किए ये रात आगे नहीं बढ़ सकती है। हम दोनों अपना वैवाहिक जीवन शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों पर बरखा की जिम्मेदारी है। बरखा के चेहरे पर दिखता है कि वो देव और राधिका के लिए कितनी खुश है, कितना चाहती है कि देव और राधिका अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर ले। मगर देव और राधिका ने जिस दिन बरखा से राजपुरोहितायन बनने के लिए कहा था, उस दिन एक निर्णय भी लिया था। मैं चाहती हूँ हम उसके भविष्य की जिम्मेदारी ले, उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे, एक अच्छा सा परिवार ढूंढे जो ये समझ पाए कि उसने ये बलिदान राजपुरोहिती के लिए दिया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले बरखा के लिए लड़का ढूंढा जाए, उसकी शादी की जाए और फिर उसका जीवन बसाया जाए। उसके बाद ही देव और राधिका अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। सब राधिका को समझाइए ना कि वो अपना फैसला बदल दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजपुरोहितायन का पद छोड़कर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। छोटी बहू
जिस बरखा ने राज पुरोहिती के लिए अपना भविष्य दाव पे लगा दिया, अपनी जिंदगी की खुशियां त्याग दी, तो उसके लिए क्या देव और राधिका कुछ दिनों के लिए अपनी खुशियां नहीं त्याग सकते? इसकी खातिर हम कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। आप सभी बताइए, क्या हमारा निर्णय गलत है? मैं राधिका के इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस फैसले के बारे में मुझे राधिका ने याद दिलाया। मुझे माफ कर दो परखा, मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। राधिका को तुम्हारी खुशियों की बहुत ज्यादा चिंता है परखा, वो तुम्हारी सच्ची सहेली है। और इसके बाद तो मेरे दिल में राधिका के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। मान गए कान्हा, क्या दांव खेला है। अभी तो देखिए आगे क्या होता है। बताइए, आपको हमारा ये फैसला सही लग रहा है ना? हमें बरखा की शादी पहले करा देनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। मेरा मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दो प्यारे दोस्त इतने समय से एक दूसरे से दूर रहे, जुदाई का दर्द सह रहे, अब जब उनकी जीवन में खुशी आई है तो ये मेरे बारे में सोच रहे, ये ठीक नहीं। इनकी खुशियों का क्या, घर वालों के सपनों का क्या? दाइमा के पोते खिलाने के अरमान का क्या? फिर शुरू हो गई बरखा की नौटंकी। इस घर के वंश को भी तो आगे बढ़ना है। अब मेरी वजह से ये सारे सपने टूटे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप सब राधिका को समझाइए ना कि वो अपना फैसला बदल दे। मुझे राधिका का फैसला सही लग रहा है। उसका सोचना सही। तुम्हारे बलिदान की नींव पर देव और राधिका अपनी खुशियों का घर नहीं बसा सकते। नहीं छोटी माँ, आप बिना बात मेरे लिए। बरखा, बरखा, माँ का सोचना बिल्कुल सही है। देव और राधिका ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। पर मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। बरखा, ये तेरी अच्छाई है जिसके आगे हर खुशी फीकी लगती है, पर इस वजह से तेरी खुशियां हम नकार दे, ये अच्छी बात तो नहीं। बस राधिका, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम दोनों ऐसी बातें करके मुझे और दुख पहुंचा रहे हो। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। इसे एहसान बोलकर मेरी दोस्ती का अपमान मत कर। पर बरखा। नहीं छोटी माँ, आप लोगों को मेरी भावनाओं का सम्मान करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राज पुरोहितायन का पद छोड़कर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस मुश्किल से बाहर नहीं आने दूंगी नकली राधिका। अगर पराए मर्द के साथ रात गुजारने से बचना है तो तुझे अपनी सच्चाई सबको बतानी होगी और इस घर से जाना होगा। अगर तुम्हारी यही जिद है तो आज से देव और राधिका अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत।
ऐसी जिद मत करो बरखा, हमें तुम्हारी फिक्र है इसलिए तो हम। फिक्र है तो आप मेरी बात मानिए देव, मैं इसी शर्त पे यहाँ रुकूंगी कि आप और राधिका अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करें। तू सच में ऐसा ही चाहती है बरखा? हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और आप सब भी ये मानते हैं ना कि इस घर की खुशी के लिए यही सही है? अब क्या करेगा कान्हा, यहाँ तो बात घूम फिर के वहीं आ गई। ठीक है बरखा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो आज से देव और राधिका अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी माँ जो अब तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाएगी। तेरी लीलाएं तो बहुत मजेदार हो रही है कान्हा। मैं पूछती हूँ ये क्या अनर्थ हो रहा है राजपुरोहितों के घर में? देव और राधिका अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? था देव, मेरी बेटी तुम लोगों की कठपुतली बनकर रहेगी, चुपचाप तुम्हारी बात मानेगी और उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान! देखो उर्मिला बहन, आप कुछ मत बोलिए अंबा, मैं यहाँ देव और राधिका से बात करने आई हूँ। बोलो, बताओ मुझे, दोस्ती निभाने का ठेका क्या सिर्फ मेरी भोली भाली बेटी ने ले रखा है? तुम लोगों ने क्या सोचा, वो बलिदान करेगी और तुम लोग ऐश करोगे? माँ ये सब क्या कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो अपने अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है, होती ना तो इस झमेले में ही नहीं पड़ती। तुझे होगा बलिदान की मूरत बनने का शौक, पर मैं तेरी माँ हूँ, तेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। सबके सामने आपने बेटी को राजपुरोहिता ही बनाया है, सामने आपने इसकी मांग में सिंदूर भरा है, जबकि सच्चाई यह है कि मेरी बेटी तुम्हारी है। हे भगवान, अरे मेरी बेटी की फूटी किस्मत कौन करेगा इससे शादी? तुम लोग उसके बारे में सोचने के बजाय अपने सुहागरात के बारे में सोच रहे हो। क्यों कुछ कह रही है, और किससे कहूं? जब तुझे राजपुरोहिताइन बनाया गया था, मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी। इन लोगों ने तय किया था कि तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे जिसे तेरे इस नाटक के बारे में सब पता होगा, लेकिन कोई आपत्ति नहीं होगी। कहा था या नहीं? क्यों दाऊ, मजा आ रहा है ना? अब तो रुक्मणी नाराज नहीं होगी ना,
नहीं कान्हा, बल्कि रुक्मणी भी तेरी इस लीला पर मोहित हो जाएगी। पर मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, अपने सामान के साथ। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती, उसे न्याय नहीं मिल जाता, मैं भी यही रुकूंगी, ताकि तुम दोनों अपना शादीशुदा जीवन शुरू ना कर सको। माँ, ये आप क्या कह रही है? मत आइए देव और राधिका के बीच। मुझे नहीं करनी किसी से शादी। और आज आपको हो क्या गया है? आप ऐसी बातें नहीं करती थी। आप मेरी बात सुनिए माँ। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तू क्या देश की प्रधानमंत्री है? तुझ में अकल ही कहाँ है? मैं अपनी बेटी के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। बाहर बरखा राजपुरोहित आई और घर में राधिका। बस करो उर्मिला बहन, तब जो कछु हुए रहा बरखा की मर्जी से हुए रहा, और तो को भी कौनु परेशानी ना रही। गड़े बुड्ढे मत उखाड़िए अम्बा, तब जो हुआ सो हुआ, मैं तो वो देख रही हूँ जो आज हो रहा है। मेरी बेटी मुंह से भले ही कुछ ना कहे, पर मैं माँ हूँ उसकी, उसके दिल का हाल समझती हूँ। उर्मिला जी, हमें भी आपकी बेटी की चिंता है, और बरखा मुझसे कुछ छिपाती नहीं है। बरखा तो मूर्ख है, इसका बस चले तो इस घर की सेवा में जिंदगी बिता दे। माँ क्यों? चुप कर, मुंह बंद रख। जब मुंह खोलती है कुछ गलत ही बोलती है। मैं कहाँ थी? आप बरखा दीदी की शादी की बात कर रही थी। हाँ, बरखा की शादी होने तक मैं देव और राधिका को एक दूसरे के पास नहीं आने दूंगी। हाँ, देखिए उर्मिला बहन, देव और राधिका को बरखा के ब्याह की फिक्र है, पर उनका देव राधिका के रिश्ते से क्या लेना देना है? कैसे लेना देना नहीं है? जब बरखा इन लोगों के लिए सारी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, तो क्या ये लोग कुछ दिनों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान नहीं दे सकते? माँ प्लीज अभी शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं होने वाली। जब तक ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं ऐसे ही चिल्लाती रहूंगी। ठीक है, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। जब तक बरखा के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक मैं और राधिका अपना वैवाहिक जीवन शुरू नहीं करेंगे। जय हो तेरी कान्हा। आगे भी तो सुनिए दाऊ। हाँ, और सुनो, जब तक तुम अपनी बात पूरी नहीं कर लेते, राधिका मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोएगी। हाँ जी, जैसा आप कहें। इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है देव। राज पुरोहिताइन होगी सबके लिए, पर मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात काटने की औकात नहीं है तेरी। सिर्फ कान पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उसे कसके थप्पड़ मार। थप्पड़ तो पड़ना चाहिए, पर थोड़ी देर बाद। अब आगे से मेरे फैसले में टांग मत अड़ाना, समझी? पता नहीं माँ को क्या हो गया है, मेरे बने बनाए प्लान को चौपट कर दिया। समय बड़ा बलवान, कब किसकी नैया भारी हो जाए और किसकी हल्की, ये तो बस कान्हा ही जाने। और राधिका, तू मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा, आज रात से तू मेरे साथ ही सोएगी, समझी? दाइमा, इनका फैसला बिल्कुल सही है।
हमें बरखा के बारे में पहले सोचना चाहिए। मैं और राधिका अपना वैवाहिक जीवन बाद में भी शुरू कर सकते हैं। और देखिए ना, जो बात राधिका ने सोची इन्होंने भी बिल्कुल वैसी ही सोची। दोनों की सोच कितनी मिलती है। बरखा, जरा जाकर तो देखो तुम्हारी माँ को कि इसकी कोई जरूरत तो नहीं है ना। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरी राधिका को पाने की उम्मीद जो डूब रही थी फिर से जाग गई है। तुम्हारी तरह मेरी सुहागरात में भी विघ्न पड़ गया था जब माहेश्वरी का दिन एक नौला का हार के लिए अड़ गया था। जाने काना की कैसी लीला है। ये ऐसी लीला है दाई माँ, जो कान्हा ने किसी भक्त को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए रची है। छोटी बहू